नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं क्यू ट्रिक्स। डेटा इंटरप्रिटेशन के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम आरआरबी पीओ बेस्ड कुछ डीआई देखेंगे, और वो बहुत अच्छी डीआई होगी, बहुत कैलकुलेटिव डीआई होगी, मेंस लेवल की डीआई दोनों होगी। ये जो लेसन है ये मैं डीआई की प्लेलिस्ट में डालूंगा आपके लिए, लेकिन ये आरआरबी पीओ जो टारगेट वाली हमारी सीरीज चल रही है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो बिफोर स्टार्टिंग, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी नया लेसन अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। स्टडी द पाई चार्ट एंड द आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आपसे बोला गया है कि आपके सामने एक पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्सपेंडिचर का। ठीक है, ठीक है। एक बुक को पब्लिश करने में कहां पर कितना खर्च होता है, जैसे कि देखिए प्रमोशन कॉस्ट कितना है, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है, पेपर कॉस्ट कितना है, बाइंडिंग और रॉयल्टी कितनी है, उसका आपको डेटा दे रखा है। ठीक है ना, और आपको पाई चार्ट दे रखा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके हमें आंसर देने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे रुपीज 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स। देखिए जो ये डेटा है, जो ये पाई चार्ट है, ये आपका जो परसेंटेज है ये थोड़ा सा विजिबल मेरे को लग रहा है संग से नहीं है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताते हुए चलूंगा सारी चीजें। ठीक है ना, चलिए। इफ द सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स, कोई भी एक क्वांटिटी है बुक की, ठीक, पब्लिशर हैज टू पे रुपीज 30,600 प्रिंटिंग कॉस्ट, यानी प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए उन्होंने कितना रुपए दिया है, उन्होंने दिया है 30,600 रुपए, देन व्हाट विल द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक्स, ये आपको निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए प्रिंटिंग कॉस्ट का हमारा जो परसेंटेज है वो कितना है, प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज है 20%, है ना। यानी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे आपको 20% की वैल्यू जो है वो दे रखी है आपको 30,600। ठीक है, आपको निकालना है कि आपको रॉयल्टी निकालनी है। देखिए रॉयल्टी कितना परसेंट है, रॉयल्टी है आपका ये वाला कलर, पर्पल कलर, तो 15% रॉयल्टी होगी। अब देखिए 20% की वैल्यू आपको गिवन है, आपको 15% की निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, तो 15% की वैल्यू हो जाएगी 30,600 अपॉन 20 × 15 × 15, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। तो 2 से इसको कट कर दीजिए, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6 और 0, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर इसको, ठीक है ना। तो 15 0 हो गया, 15 3 45, कैरी 4 हो गया, 15 5 75 और 4 79 हो गया, कैरी 7 हो गया, 15 1 15 और 7 22 हो गया, यानी 22950 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया, 20% आपको प्रिंटिंग कॉस्ट दे रखी थी, और हमें पता है कि टोटल एक्सपेंडिचर में जो प्रिंटिंग कॉस्ट का परसेंटेज है वो 20% है। आपसे रॉयल्टी पूछी गई थी, हमें पता है रॉयल्टी 15%, तो हमने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए हम लोग अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन रॉयल्टी। ठीक है, अब देखिए एंगल और परसेंटेज में डिफरेंस क्या है, इस चीज को समझिएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्पीड टाइम डिस्टेंस में जब आप किलोमीटर पर आर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है, आप क्या करते हैं, इनटू 5/18 कर देते हैं, है ना। सिमिलरली जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना होता है, आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर, वहां पे स्मॉलर और यहाँ पे ग्रेटर। ठीक हो गया, चलिए अब ध्यान दीजिए, अब आपको जो एंगल वाला कंसेप्ट है ना, यहाँ पे भी वही समझना है। देखिए जो परसेंटेज की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ध्यान से समझिएगा, तो परसेंटेज की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 100%। ठीक है, और जो डिग्रीज में जो वैल्यू होती है मैक्सिमम, वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ठीक है, यानी आपको यहां से यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, तो सिमिलर ये 5/18 वाला ही कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है ना, कैसे लगेगा, 100% छोटी वैल्यू है, 360 बड़ी वैल्यू है, यानी यदि मुझे परसेंटेज से डिग्री की तरफ टेंड करना है तो मुझे उस परसेंटेज में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यदि मुझे किसी डिग्री को, किसी एक्स डिग्री को यदि मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी वो किसमें आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया। सिमिलर मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, जो मेथड आप स्पीड टाइम डिस्टेंस के किलोमीटर पर आर और मीटर पर सेकंड में अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी वही करना है।
यदि आपको परसेंटेज से डिग्री की तरफ जाना है तो आप 18 बाई 5 से मल्टीप्लाई करिए, और यदि आपको डिग्री से परसेंटेज की तरफ जाना है तो आप 5 बाई 18 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सेंट्रल एंगल है किसका आपको निकालना है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड रॉयल्टी। तो रॉयल्टी में कितना एक्सपेंडिचर, 15% है, तो परसेंटेज को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री में। तो परसेंटेज को डिग्री में कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया मैंने आपको, 15 × 18/5। सिंपल, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54, यानी 54 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, बिल्कुल टफ नहीं था, बस कंसेप्ट को आपको समझना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹180, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ बुक। आपसे ये कहा गया है कि जो मार्क प्राइस है वो 20% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। यदि आपको मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कंफ्यूजन है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे मैंने इसका एक अलग लेसन आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए देखिए अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है यदि वो 100 है, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 लेके चलते हैं, तो मार्क प्राइस 20% ज्यादा है, यानी मार्क प्राइस कितना है, 120 है। ठीक है ना, मार्क प्राइस कितना है, 120 है, और मार्क प्राइस है कितना उसका, 180 है। ये परसेंटेज वैल्यू है ना, ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक, तो मार्क प्राइस है कितना, 180 है। ठीक हो गया, अब आपको निकालना है कि आपको क्या निकालना है कि सिंगल जो बुक है, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन द सिंगल बुक, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है, ठीक है, पेपर की कॉस्ट है, पेपर कॉस्ट वो कितनी है, पेपर की जो कॉस्ट है वो है आपकी कितनी, 25% है, क्योंकि हम 100 लेके चल रहे हैं तो 25% हो गई, है ना। जो पेपर कॉस्ट है वो आपकी कितनी है, 25%। अब इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो मेथड से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यदि मैं मार्क प्राइस दोनों प्राइस को इक्वल कर दूं, क्या कि जो मार्क प्राइस है 120 है, रेशियो जो पेपर का जो प्राइस है वो 25 है, 120 और 25 की दोनों ही परसेंटेज में है तो वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, ये हो गया रेशियो में इक्वल। अभी किसके इक्वल होगा, 120 की वैल्यू किसके इक्वल है, 120 की वैल्यू 182 है, तो 120 की वैल्यू 180 के इक्वल रख दिया हमने। आपको निकालने कितने की है, 25 की निकालने के, कितने पेपर्स होंगे, तो इसको आप लोग एन मान लीजिए या एक्स कुछ भी मान लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। एक तरीका ये है, एक तरीका आप क्या कर सकते हैं, 120 की वैल्यू 180 अज्यूम कर सकते हैं, फिर 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं, बात सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों चीजों में। ठीक है ना, तो क्या होगा, 120 की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, है ना। तो अब क्या करेंगे आप लोग, n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सिंपल हो जाएगा। n की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, अब आपको पता है रेशियो को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन और इसका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 120 और n का मल्टीप्लीकेशन, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 25 × 180/120 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए आप। ठीक, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 4 × 3 = 4 और 3 = 6, 2 से फर्दर सॉल्व हो सकता है, 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6, 2 से इसको कट कर दीजिए तो चला जाएगा 12.5 टाइम्स। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 × 3 = 36 और 0.5 × 3 = 1.5, यानी 37.50 क्या आ गई आपकी, जो आपको आंसर निकालना था, पेपर सिंगल पेपर की जो कॉपी की बुक पेपर यूज हुआ है कॉस्ट, वो आपकी कितनी हो गई, 37.5 रुपीज आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। क्लियर हो गया, आप चाहे तो रेशियो मेथड से कर लें या आप चाहे तो परसेंटेज मेथड से कर लें, कि भाई 120 की वैल्यू 18 है, 180 है, तो आप 25 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑन देम अमाउंट्स टू ₹82500, then what should be the selling price of the book so that the publisher can earn a profit of 20%। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया है, देखिए अब ध्यान दीजिए, आपसे ये कहा है कि 5500 कॉपीज हैं टोटल, ठीक है, पब्लिश हुई हैं, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आया है वो है ₹82500, यानी ₹82500। देन व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक, बुक का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सो दैट पब्लिशर कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, कि पब्लिशर को 25% का फायदा हो, यानी 25% का क्या हो, बेनिफिट हो। अब ध्यान दीजिए क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का आपका परसेंटेज कितना है, ये आपका येलो है 10%, थोड़ा विजिबल नहीं होगा बट मैं आपको बता दे रहा हूं, दिस इज 10%। ठीक है, कितना है ये आपका, 10% दिखा हुआ है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है कि जो 10% की वैल्यू है वो कितनी है, वो है आपकी 82500 आपकी 10% की वैल्यू होगी। अब आपको निकालना क्या है, आपको क्या करना है, प्रॉफिट करना है 25% का। ठीक है, 25% प्रॉफिट का क्या मतलब है, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए,
सेलिंग प्राइस निकालना है ना आपको, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द सेलिंग प्राइस शुड बी 125%। तो आप यहां से क्या करिए, आप यहां से 125% की वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा यहां से 82500 अपॉन 10 इनटू 125 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई 125% की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, ये हो गया कितने का, ए कॉपी का, है ना। आपके पास कॉपीज कितनी है टोटल, 5500। तो आप क्या करिए, सिंपली 5500 से इसको डिवाइड कर दीजिए, है ना। तब एक ये है, ये जो वैल्यू थी ये आपकी 5500 की वैल्यू थी। यदि एक की निकालनी है हमको, मैंने उल्टा बोल दिया आपसे कि यदि ये जो पूरी वैल्यू थी वो 5500 की वैल्यू थी, है ना, हमें निकालनी कितने की है, एक की निकालनी है, है ना, एक की निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 5500 से इसको डिवाइड कर देंगे। आप फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 825 के 11 से डिवाइड हो रहा है, क्यों हम 11 से चेक करेंगे कि 55 तो 11 से डिवाइड होता है ना। तो 11 से कैसे कट कर सकते हैं इसको, हम क्या बताया था मैंने आपको तरीका, 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 माइनस 2 11, 11 से डिविजिबल ये है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको 5 से 11 5 से 55 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 से 11 7 जा 77 हो जाएगा और 11 5 जा 55, 5 से इसको और कट कर दीजिए आप, तो 5 से जब इसको कट करेंगे तो 15 5 जा 75 होता है, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका 05781। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा आपका, हो जाएगा 187.50। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई मैंने आप पे छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई ये चीज, बहुत ही आसान था। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो ये वैल्यू थी वो आपकी 5500 की थी, एक की निकालने के लिए आपको 5500 से क्या करना है, बेसिकली डिवाइड कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे कि रॉयल्टी है जो ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट। भाई देखिए रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी आपकी ये है पर्पल कलर, यानी 15% रॉयल्टी होगी, ठीक है ना। और आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट आपकी है ऑरेंज कलर, यानी 20% है ना, 20% है। परसेंटेज आपको निकालना है कि जो ये 15% है वो 20% से कितना ज्यादा, यानी 15-20 से कितना परसेंट कम है, ज्यादा नहीं कम है। तो 15-20 से 5 कम है, ठीक है, 20 से, यानी 20 × 100, तो 5 × 4 = 25, यानी 25% आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया, क्लियर हो गया। बहुत ही आसान डीआई थी, बस कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के दिए जाते हैं, ठीक है। पर ध्यान से पढ़िए, समझते हुए क्वेश्चंस को करिए, आपका आराम से एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब हम लोग दूसरी डीआई देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपके स्पोर्ट्स पे रिलेटेड होगी और थोड़ी अच्छी खासी उसमें कैलकुलेशन भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड डीआई। तो दूसरी डीआई है आपके सामने, द सर्कल ग्राफ गिवन हियर शोज द स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, पाई चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें क्या कर रखा है कि स्पेंडिंग ऑफ अ कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट, एक कंट्री जो है स्पोर्ट्स में कितना जो है किस स्पोर्ट्स में खर्च करती है वो आपको दे रखा है इन, ठीक है, डेटा इन डिग्री। ये सारा डेटा आपका डिग्री में है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिग्री बना नहीं है लेकिन ऊपर आपको दिया हुआ है, ये ऑल डेटा इन डिग्री नॉट इन परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज में नहीं है ये डेटा, क्लियर हो गया। चलिए अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं। आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, एक कंट्री में कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाता है किस गेम में, वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए रेड क्रिकेट है, क्रिकेट में 81% खर्च करते हैं और बाकी में कम करते हैं, यानी ये इंडिया होने के चांसेस है। चलिए जो का पार्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन टेनिस। अब ध्यान दीजिए, ये आपका डिग्री है, ठीक है ना, ये आपका डिग्री में है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद परसेंटेज में चेंज करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, है ना, डायरेक्टली भी कर सकते हैं और फिर परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले आपने डिग्री से सॉल्व कर दिया और उस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर दिया, या आप पहले परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, जो भी जिसमें भी आप फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो रही है। हो सकता है कभी आप पहले आप डिवाइड कर रहे हैं, पहले आप डिग्री से कर रहे हैं तो आसान हो रही है, हो सकता है पहले आप परसेंटेज से कर रहे हैं तो उसमें आसान हो रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या कहा जा रहा है, व्हाट परसेंट टोटल स्पेंडिंग इन स्पेंट ऑन टेनिस। टेनिस कहां है भाई, टेनिस है आपका पर्पल कलर, यानी 45, तो 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली इसका आपको परसेंटेज निकालना है, तो 45 इनटू परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया था 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, तो ये हो गया 25/2, यानी 12.5
5% 12.5 यानी ए ऑप्शन दैट इज 12 1/2%। क्लियर हो गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, बस डिग्री और परसेंटेज को अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन हॉकी देन द ऑन गोल्फ। आपसे ये कह रहा है कि कितना परसेंट हॉकी में गोल्ड के कंपैरिजन में, गोल्फ के कंपैरिजन में ज्यादा खर्च किया गया। दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर लीजिए, पहले आप परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, ठीक है, या तो क्या कर लीजिए, पहले आप डिग्री से कर दीजिए, क्योंकि यहां पे जो वैल्यूज है वो आपकी फिक्स है, तो आप यहां पे डिग्री से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए हॉकी कितना है, हॉकी आपका कौन सा कलर है, हॉकी आपका ऑरेंज, ठीक है, तो 63 हो गया हॉकी में, ठीक है। गोल्फ कितना है, गोल्फ है आपका ये वाला ब्लू कलर है, तो गोल्फ आपका कितना हो गया, गोल्फ आपका हो गया 36 हो गया। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 63 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 36। अब मैंने कैलकुलेशन डिग्री से ही क्यों की है, डिग्री से इसलिए की है क्योंकि जब आप मोर देन और लेस देन करते हैं तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वैल्यू को यदि आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसके 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लास्ट में एट द एंड 5/18 से 5/18 कट हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली उस टाइम को सेव करके इससे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो 63 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 36 आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 7 और 2, तो 27 अपॉन 36 इंटू क्या करना है आपको, 100 करना है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 से 9 से काट दिया हमने, ठीक है, ये 25 था, तो 25 3 जा कितना होता है, 25 3 जा होता है 75, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर बी रुपीज 1,80,00,000, द अमाउंट स्पेंड ऑन बास्केटबॉल एक्सीड बाई टेनिस बाई। क्या पूछा गया आपसे कि कुछ टोटल अमाउंट जो खर्च किया गया ड्यूरिंग अ ईयर, जो भी आपको ईयर दे रखा है वो इतना अमाउंट था, जो भी था ये, ठीक है ना। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बास्केटबॉल टेनिस से कितना ज्यादा है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, तो चाहे तो आप पहले क्या कर लें, चाहे तो आप आपका पहले बास्केटबॉल निकाल लें, टेनिस निकाल लें, या उसके बाद मल्टीप्लाई कर दें। चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए आप देखिए बास्केटबॉल में कितना है, बास्केटबॉल हमारा क्या रेड है, ये है डार्क कलर है, तो 50 हो गया बास्केटबॉल हमारा, ठीक है ना। और टेनिस कितना है, टेनिस आपका ये है, यानी टेनिस कितना हो गया, 45 आपका टेनिस हो गया, ठीक है। अब देखिए 50 माइनस जब आप 45 करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना आता है, 5 आता है। तो आपको अलग से इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप इसको 5 ही अज्यूम करिए, ठीक है, कि जो दोनों का आपको डिफरेंस निकालना था, जो दोनों का आपको डिफरेंस निकालना था वो 5 दे रखा है ना। तो चलिए अब देखिए कैसे करते हैं, अब आप इस डेटा को लिख लीजिए 1,80,00,000 × 5, ठीक है, इंटू 5/100 हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको परसेंटेज में भी तो चेंज करना है अभी, तो उसके लिए क्या करेंगे, 5/18 से फिर फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 से 18 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया 5/5 = 25, तो 25 ये हो गया, 0 कितने हो गए, 1, 2, 3 और 4 हो गए, तो 1, 2, 3 और 4 हो गए, ठीक है। तो कौन सा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन ऑन क्रिकेट, ठीक है, देन दैट ऑन क्रिकेट आपको निकालना है। मतलब ध्यान दीजिए, आप देखिए इस क्वेश्चन में भी हम डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको अलग अलग निकाल के बताऊंगा, उसका रीजन क्या है। देखिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल कौन सा है भाई, फुटबॉल आपका येलो, येलो कितना है, 54% है। ये जो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है ये नेक्स्ट स्लाइड में नहीं होगी आपके लिए, ठीक है, तो 54 फुटबॉल हो गया। और क्रिकेट कितना है, देखिए क्रिकेट कौन सा है, 81 क्रिकेट है। अब ये दोनों वैल्यूज को यदि आप परसेंटेज में चेंज कर लें तो आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, क्यों, क्योंकि आपको जब भी जो है डिग्री से परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना, कन्वर्ट करना होता है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो आप देखिए 18 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यदि मैं 54 इंटू 5/18 करता हूं, ठीक है, तो 18 थ्री जा, तो ये आपका कितना हो गया, 5 थ्री जा 15 हो गया। और यहां पे यदि मैं 81 इंटू 5/18 करता हूं, तो ये 9 टू जा 18 हो गया और 9 9 जा 81 हो गया, और ये हो गया आपका कितना, 2.5, ठीक है। तो 9 टू जा 18 हो गया और 9 5 जा कितना हो गया, 45, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12, यानी 22.5 ये हो गया। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया कि 15 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 22.5। आसान है ये कैलकुलेशन, आपको करके दिखाई है, अदरवाइज बहुत आसान होगी। तो 15 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 22.5 के लिए पहले आपको इसका डिफरेंस निकालना है। तो 22.5 और 15 का जो डिफरेंस होता है वो होता है 7.5 अपॉन में आपका आ जाएगा 22.5 इंटू आपको क्या कर देना है, इंटू आपको 100 कर देना है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 25 थ्री जा और 25 नाइन जा, तो 3 थ्री जा 9, तो आपका आंसर चला जाएगा 100/3, यानी दैट इज 33 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दोनों ही तरीके मैंने बता दिए हैं, आप चाहे डिग्री से करें चाहे परसेंटेज से करें, जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो वहीं से आप क्वेश्चन को करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹2 करोड़, द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टूगेदर वॉज, आपसे बोला गया है कि टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, एक उस साल में टोटल जो खर्च किया गया वो 2 करोड़ किया गया, 2 किया गया, करोड़ में 0-0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 2 करोड़ किया गया, ठीक। द अमाउंट स्पेंड ऑन क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वॉज, क्रिकेट एंड हॉकी टुगेदर वॉज, ठीक है। तो आप देखिए क्रिकेट कितना है भाई, क्रिकेट है आपका 81, और हॉकी कितना है, हॉकी आपका कितना है, हॉकी आपका है 63। तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना 40, 144 हो जाएगा। अब ये डिग्री है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और ये 18 8 होता है, 8 5 40 होता है, यानी 2 करोड़ का 40%। अब देखो 2 करोड़ बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वहां पे आप ये मत करने लग जाना, ठीक है ना। 1 2 ये 20,000 हो गया, ठीक, ये 2 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, ये 20 लाख हो गया, और ये 2 करोड़ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इनटू आपको क्या करना है, इनटू आपको कितना आया आपका, ये आपका कितना आया था, 5 8 5 40% आया था, यानी 40 बाई आपको क्या करना है, आपको 100 करना था, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 4 2 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6, कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जीरोस आपको नहीं लगाने हैं, बस मैंने आपको समझाने के लिए जीरोस लगाए हैं। दोनों ही जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस थे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लेवल के थे, आपको इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से बिल्कुल समझते क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमें क्या अप्रोच रखें कि कम टाइम भी लगे और हमारा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। पढ़ते रहिए क्यूट्रिक्स के साथ, मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलरली आपके लिए वीडियोस लाने के लिए, और वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आरआरबी पीओ की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करें वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, शेयर करें अपने से फ्रेंड्स के साथ जो आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब क्यूट्रिक्स। थैंक यू सो मच।